गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आप सबको पता है कि आपका 10th का 12th का रिजल्ट आ चुका है, तो अब यहां पर बात आती है कि जो 11th में बच्चे हैं उनके एडमिशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो सभी बच्चों के लिए एक बहुत खुशी की बात है, जिनका रिजल्ट यानी कि अच्छा रहा है और जो पास हो गए हैं वो उन बच्चों का एडमिशन अब शुरू होने जा रहा है। यानी कि मंडे से आपका रिजल्ट जो एडमिशन है, जो आपका एडमिशन है वो मंडे से शुरू हो रहा है। तो आप अपने स्कूल में जाइए और वहाँ जाकर एडमिशन इंचार्ज से मिलिए, वो आपको सारी जो प्रक्रिया है वो वहाँ पर आपको बता देंगे। वैसे मैंने पहले एक वीडियो बनाई है, उसमें आपको बताया भी है कि आपको क्या क्या करना है। अब यहाँ पर कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, तो उन कमेंट्स पर हम आज बात करते हैं कि वो कमेंट्स क्या क्या हैं। तो पहला यहाँ पर पहला कमेंट है आपके सामने, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसा कि यहाँ पर ये कमेंट है, सर मैं अभी किसी दूसरी जगह शिफ्ट हुआ हूँ और मुझे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराना है, तो मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे? और सर मैं पहले भी गवर्नमेंट स्कूल में ही था, इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दीजिए सर प्लीज़। तो यहाँ पर मैं इस बच्चे से को बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में पहले थे, तो वहाँ पर अगर आप 11th में एडमिशन ले रहे हैं, तो 11th क्लास में अगर आपके स्कूल में 11th स्ट्रीम है, तो 11th में आप वहाँ पर एडमिशन लीजिए और उसके बाद में आप ट्रांसफ़र फॉर्म भर दीजिए जहाँ आपका यानी कि एड्रेस चेंज हुआ है। तो वहाँ के लिए अगर आप आउटसाइडर दिल्ली से हैं, तो अभी आपके लिए फॉर्म निकलने वाले हैं। अगर आप यानी कि अदर स्टेट से हैं, तो उसके लिए अभी नॉन प्लान एडमिशन निकलेंगे, उनके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, तो उनके लिए तब होगा। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, तो आप जो है अपना एडमिशन वहीं कराइए जहां अभी आपका एडमिशन हो रहा है, उसके बाद में आप ट्रांसफ़र भरिए जहाँ आपको जाना है, यानी कि जिस स्कूल में आपने जाना है उस स्कूल की आईडी आप उनको दे दीजिए, अपने स्कूल वालों को, तो वहाँ पे आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो एक फ़ोटोग्राफ आपका चाहिए, इसके बाद में 10th की मार्कशीट चाहिए, और इसके बाद में आपका आधार कार्ड है, आपका बैंक की डिटेल है, आपके पापा का आधार कार्ड, मम्मी का आधार कार्ड, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो, इस बच्चे का नाम नीरज यादव है, तो नेक्स्ट सवाल है बच्चे का, नेक्स्ट सवाल दूसरे बच्चे का है। यहाँ पर सर मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हूँ, सर हमारे स्कूल वाले दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं और फोर्थ आर्ट्स पर, सर मैं उस स्कूल में नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे किसी और गवर्नमेंट स्कूल में जाना है, तो क्या करूँ सर, प्रोसेस एक्सप्लेन कर दो। तो मैंने जैसे अभी बताया, अगर आप दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपका यहाँ पे दूसरे स्कूल में यानी कि ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कि एडमिशन हो रहा है, जो पेरेंट स्कूल होता है फीडर स्कूल का, जो पेरेंट स्कूल में एडमिशन होता है बच्चों का, अगर आपके स्कूल में 11th क्लास है, तो आपका अपने स्कूल में ही आर्ट साइड में एडमिशन हो जाएगा। अदरवाइज़ दूसरे स्कूल में जिसमें आप जाओगे, तो वहाँ पर जैसे आप कह रहे हैं कि ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो जिस स्कूल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं आप ट्रांसफ़र करा लीजिए, उसके बाद में आप एप्लीकेशन मत देना, वो अपने आप कर रहे हैं, तो वहाँ आप एडमिशन करा लीजिए। उसके बाद में आप जहाँ रहते हैं, जहाँ आप चाहते हैं कि वहाँ आपका एडमिशन हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, वहाँ का एक लोकल एड्रेस देना होगा। तो लोकल एड्रेस आप स्कूल में एप्लीकेशन के साथ में दे दीजिए, तो आपका ट्रांसफ़र वहाँ हो जाएगा, और उस स्कूल की आईडी डिटेल वो देनी होगी, और जिस स्कूल में आप कराना चाह रहे हैं उस स्कूल के प्रिंसिपल से आप एक बार जाके मिलने की, सर मेरे को वो इतनी दूर पड़ रहा है इसलिए मैं ट्रांसफ़र यहाँ कर रहा हूँ, तो आप मेरी जो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट मत करना। तो इस तरीके से आपका जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा जिस स्कूल में आप चाहते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है, बाहर के बच्चे वाले का स्टार्ट हो गया एडमिशन अभी नहीं। तो मैंने अभी बताया कि बाहर वाले बच्चों का अभी नॉन प्लान एडमिशन में स्टार्ट होता है, अभी एडमिशन उनका शुरू नहीं हुआ है, तो उनका जब एडमिशन शुरू होगा तो उसके लिए हम वीडियो बना देंगे, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। नेक्स्ट सवाल है,
11th क्लास के एडमिशन कब स्टार्ट हो गए हैं भाई जी, भैया जी? तो ये अभी मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया, तो मंडे से आप अपने स्कूल में जाके वहाँ एडमिशन के बारे में पता कर सकते हैं। मंडे से आपके एडमिशन शुरू हो जाएंगे, ज़्यादातर मोस्टली हो चुके हैं, और कहीं कहीं स्कूल में नहीं हुए हैं तो वहाँ पे मंडे या ट्यूसडे से आपके एडमिशन शुरू हो जाएंगे। आप एडमिशन इंचार्ज से जाके वहाँ पे मिल सकते हैं अपने स्कूल में। ठीक है जी, अगला है 60% आए हैं मेरे इंग्लिश में 70, साइंस में 54 और मैथमेटिक्स में 38, 70, 54 और 38 क्या PCM मिल जाएगी? तो यहाँ पे कंडीशन है कि मैथ में भी 50% होने चाहिए। ओवरऑल 60% है वो ठीक है, लेकिन मैथ में बहुत कम है। अगर आप SC ST OBC में होते तो भी आपको 45 मार्क्स मिनिमम चाहिए होते, लेकिन आपके 38 हैं तो इसलिए आपको PCM नहीं मिलेगी। तो ये आपके लिए दुख की बात है बेटे। आगे और एक बात और आपके लिए एक और सलाह मैं देना चाह रहा हूँ, अगर आप साइंस साइड चाहते हैं तो आप मैथमेटिक्स की तैयारी कीजिए और इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरिए और तैयारी अच्छे से करिए। आपके अगर 50% मार्क्स आ गए तो आपका एडमिशन साइंस साइड में हो जाएगा, यानी कि PCM आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, तो उसकी तैयारी आप करिए और इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरिए और आप 38 के बजाय वहाँ पर 50, 60, 70 मार्क्स लेके आइए तो आपको PCM मिल जाएगी। ठीक है जी, अगला आई एम फ्रॉम बिहार, कम्प्लीटेड माई 10th इन CBSE बोर्ड विद 85%, वट इज़ द प्रोड्यूसर फॉर गेटिंग एडमिशन इन दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल इन 11th क्लास? तो आप अगर बिहार से हैं और आपके 85% मार्क्स आए हैं और आप दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेना चाह रहे हैं 11th क्लास में, तो उसके लिए अभी नॉन प्लान एडमिशन शुरू होने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। तो आप को जब नॉन प्लान एडमिशन निकलेंगे तो हम आपको बता देंगे और आप तब ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, फिर उसके बाद में लिस्ट अनाउंस की जाएंगी और उस लिस्ट में आपका नाम होगा और जो नियरेस्ट आप स्कूल भरना चाहेंगे दिल्ली में, जहाँ पे भी आप रहते हैं या फिर आपके आसपास में जहाँ पे आप आना चाह रहे हैं दिल्ली के अंदर, तो वहाँ का नियरेस्ट एड्रेस आपको उसमें भरना होगा और नियरेस्ट स्कूल आपको भरना होगा, तो वहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है जी, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए यही है, यही टॉपिक था कि बच्चों के जो कमेंट्स आ रहे हैं तो उनके सवालों के जवाब मैं यहाँ पर दे सकूँ। तो सभी बच्चों का के सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर आपको मेरे सवालों जो मैंने जवाब दिए हैं आपके सवालों के, अगर आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सभी बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चे बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।